हेलो फ्रेंड्स, आज हम फील्ड इंस्पेक्टर इवनिंग स्लॉट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन 7, 12, 15, 11, 6, 20, 8, 4, 10 का मीडियन 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। सेटराइज पैराबोलिक क्लॉज़ द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट मीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। SCBI by establish in, तो ये 1992 में establish हुआ था। Which one of the following resource can be recycled? तो ये है iron, जिसको हम क्या कर सकते हैं, recycle कर सकते हैं। Which one of the following is known unmember? तो UN का member कौन नहीं है, वो है Palestine। The first railway train in India ran in 1853 from Bombay to, ये बॉम्बे से थाने में सबसे पहले railway train चली थी 1853 में। अब ये ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन ए क्लोज सर्कलर फेसिंग द सेंटर, टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एस, आर इज बिटवीन पी क्यू यू एंड बिटवीन टी एंड पी। तो अब इसमें जगह बतानी है, हु इज द लेफ्ट ऑफ क्यू की जगह, लेफ्ट में कौन है, राइट में आर के राइट में कौन है। तो ये फ्रेंड ये सर्कल बना के वहाँ से सोल्व हो जाएगा पेपर। विच आर्टिस्ट ऑफ मेरिट इज बिलीव टू स्टार्टेड द सॉन्ग ऑफ हरियाणा, तो मेरठ का वो कौन सा आर्टिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सॉन्ग स्टार्ट किया था हरियाणा में, वो था किशन लाल भट्ट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द लीस्ट रेट ऑफ वुमेन लिटरेसी, तो मेवात है, सबसे कम जहाँ पर अनपढ़ लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, वुमेन लिटरेसी है। फ्रॉम विच आचार्य डिड संत सूरदास लर्न म्यूजिक, तो सूरदास जी के जो आचार्य थे वो थे संत हरिदास, जिनसे उन्होंने म्यूजिक सीखा था। इन विच डिस्ट्रिक्ट नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तो नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रेवाड़ी में है। अब ये कोई आर्टिकल है, ये मैथ के क्वेश्चन है, 10% लॉस हुआ उसके ऊपर, उसको हमने 30 में ज़्यादा बेचा, प्रॉफिट 5% करें तो कॉस्ट कर रखे 200। तो सारे मैथ के क्वेश्चन है, HCF निकालना है। द गोल्डन एज मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो गोल्डन एज मॉडल था वो किसने दिया था, वो दिया था जॉन रॉबिन्सन ने। नेबर्स कोर्स मीन, नेबर्स कोर्स मतलब पड़ोसी का शाप, इसका मतलब क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ कंट्री इज ट्रांसफर टू अदर। हु इज द एडिटर ऑफ वीकली मैगजीन हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक के जो एडिटर थे वो कौन है, श्री राम शर्मा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। चूज द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप टू अदर, ये तबला है, वोयलन गिटार वीना, ये तबला सबसे अलग चीज है, बाकी ये हाथ तो सब जाने के है, वोयलन भी। ऑन विच कैनल इज द कॉकरोई मिक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट बिल्ट, तो ये कौन से पे है, ये है पश्चिमा यमुना नहर, मतलब वेस्टर्न यमुना कैनल पे ये बिल्ट हो रहा है। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, बिक्रम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज इन द गेम ऑफ क्रिकेट, लेग बाय जो है क्रिकेट का। वट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर, 49 नेचुरल नंबर का सम कैसे निकलता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 49 नेचुरल का नंबर, n की वैल्यू 49 हो जाएगी। ओ इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मैथ के क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस कंडीशन है लेट टू बी साइक्लोजीनियस, तो किस कारण होता है, होता है अपर लेवल डाइवर्जेंस बींग ग्रेटर देन लोअर लेवल डाइवर्जेंस, तो क्या साइक्लोजीनियस होता है। अब इसके अंदर से हमें यह बताना है ट्रू और फाल कौन से, ये तीन हमें कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पढ़ के हमें बताना है। इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट टू जनरेटेड 1000 मेगावाट पावर इज, तो ये कहाँ था, तमिलनाडु के बीच में है कांडुकुलम, ये तमिलनाडु के बीच में पड़ता है कुंदाकुलम, जहाँ पर क्या 1000 मेगावाट का पावर का न्यूक्लियर प्लांट जनरेट किया गया। विच रिलीजियस हैज़ द मैक्सिमम फ्लोवर्स इन हरियाणा, तो हिंदू है सबसे ज़्यादा हरियाणा में। On which guru's advice did Banda Bahadur renounce sannyas and fight war? तो ये गुरु गोविंद सिंह जो उनके गुरु थे उन्होंने एडवाइस दी थी उनको बंदा बहादुर को। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिस्पॉन्स, ये सिलेक्ट करने हमको, ये सभी क्वेश्चंस मतलब इनमें से अलग बताना। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज घग्गर रिवर नॉट फ्लो, भिवानी में से कोई घग्गर रिवर नहीं जाती है। The amount of heat required to raise the temperature of 1 cc of water through 1 degree Celsius is known as, उसको 1 chlorine कहते हैं। The original inhabitant of India was, जो original inhabitant है इंडिया का वो है द्रविड। Which state is called the cradle of Buddhism, सिक्किम state
स्कीम ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स इज अप्रूव्ड बाय, तो ये दिल्ली द्वारा दी गई है। अगर एन सी टू इज इक्वल टू एन सी फाइव है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 7। अब ये मैथ का क्वेश्चन है फिर से आगे। हु इज कंसिडर एज द सक्सेसफुल हीरो इन हरियाणवी मूवीज, तो जगत जगतार है जो सबसे सक्सेसफुल रहे हैं हीरो हरियाणवी मूवीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन इज टिपिकल सब्जेक्ट टू द ग्रेटर दुरुनशल वेरिएशन इन टेम्परेचर एरिड, द डैश फीचर ऑफ रिलेटिव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, आइनोस्फेयर आयन मंडल जिसे बोलते हैं। मकर संक्रांति कम्स इन विच मंथ, ये सभी को पता जनवरी में होती है, लोहड़ी भी जनवरी में होती है मकर संक्रांति के साथ ही। कुरुक्षेत्र जिले में बोर सदन किस जीव का प्रयोजन केंद्र है? वो क्रोकोडाइल का है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, बुटेन गैस होती है एलपीजी में सबसे ज़्यादा मात्रा में। कॉमर्शियल सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। लेट अ नंबर विथ थ्री डिजिट हैज इट्स मिडिल डिजिट, द नेम द नंबर टू डिजिट देन इट मल्टीप्लाई, ये तो मैथ से स्टार्ट होगा। मंगला इज डलर देन, ये भी आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा, ये फिर मैथ का क्वेश्चन है। सांगी एंड फोल्क सिंगर सांग सॉन्ग ऑन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सरंगी पे बजाते हैं जो सांगी होती हैं। इन हरियाणा विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेव्ड रोड, तो ये भिवानी ये पूछा गया सबसे ज़्यादा मतलब पक्की सड़कें कहाँ की है? भिवानी। अगर ये पूछा जाता भाई हरियाणा के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा घूमदार सड़कें हैं, तो वो है अम्बाला जिसमें सबसे ज़्यादा घूमी हुई सड़कें हैं। ये फिर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। हु ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, तो ये मैक्स मुल्लर थे। द बैटल ऑफ टेन किंग्स वाज फोस्ट ऑन द बैंक ऑफ रवि, ये रवि जो नहर थी उसके पास में बैटल लड़ी गई थी 10 राजाओं की। द नेम अघाया नोट टू बी किल्ड मैंशन इन मैनी पैसेज ऑफ रिग वेद अप्लाई टू, ये काउज पहले क्या बोलते थे जो गायें होती थी उनका नाम लेते थे अघाया। विच मिनर इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ में लाइमस्टोन कॉपर चाइना क्ले ये सब चीज़ पाई जाती है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में। इंडियन स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर इज इन, जो इंडिया का स्पेस रॉकेट लॉन्च सेंटर है वो है श्री हरिकोटा में। सूरज कुंड वर बिल्ट बाय होम, तो सूरज कुंड का जो मेला फरीदाबाद में लगता है वो किस द्वारा बनाया गया था? वो अंगद पाल द्वितीय द्वारा बनाया गया, अंगद पाल टू। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली एरिया इज नॉट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये नारनोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द प्लास्टर ऑफ पैरिस, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पैरिस के बीच में। द नेम ऑफ द फोर सन्स ऑफ महात्मा गांधी आर हरिलाल मनीलाल रामदास एंड देवदास, जो महात्मा गांधी थे उनके जो चार बेटे थे उनका जो नाम दिए हुए हैं, तो चौथे का नाम बताना था हरिलाल थे, एक का मनीलाल, एक रामदास और एक का देवदास। हु वाज द मेन लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन हरियाणा, तो वो लाला लाजपत राय थे। विच सूत्रा डील विद द रूल्स रिलेटेड टू बिग सेक्रीफाइस, तो ये है सूत्र सूत्रा। द टर्म सोलविजेंसी हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन टर्म सुपरनास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सत्य रॉय एसोसिएटेड, डायरेक्शन ऑफ फिल्म जो फिल्म्स की डायरेक्शन होती है उससे सत्य रॉय एसोसिएट है उससे बिलोंग करते हैं। क्लोरीन इज अ यूनिट ऑफ हीट के क्लोरीन है। द कंसेप्ट ऑफ लीगल सेक्युलरिसी वाज द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस बाय होम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हरियाणा कंट्रीब्यूट इन 1857 रेवोल्यूशन, तो गुड़गांव हिसार रोहतक इन तीनों ने क्या था 1857 रेवोल्यूशन में अपना अपना भाग्य दिया था, कंट्रीब्यूट किया था अपने आप को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल रिसीव्ड द लोवेस्ट रेनफॉल, साउथ वेस्ट हरियाणा के साउथ वेस्ट में सबसे कम रेनफॉल होती है। जो तीसरा बैटल था पानीपत का वो कहाँ पर हुआ था? कालेआम पे हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पोर्ट्स स्कूल लोकेटेड इन राय ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है जो कि राय में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज इरीगेटेड बाई वेस्टर्न यमुना, तो रोहतक करनाल सोनीपत ये सारी यमुना नहर से ही क्या होती है इरीगेट की जाती है। इन इंडिया द लीगल सोवरेन राइट्स लाइज इन पार्लियामेंट, इन मॉडर्न टाइम द फोर्स थ्योरी फाउंडेड इन स्ट्रॉन्ग एडवोकेटेड हिटलर, ओक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन। अब यहाँ पर क्या हमने एरर है तो वो एरर फाइंड आउट करना, तो इसमें ए में एरर है ही ओट नोट हैव
83 के बी सी में एरर है बिफोर रिटायर, या फिल इन द ब्लैंक्स हैं बाकी इधर दिए हुए हैं 87 क्वेश्चन 88 89 90। उसके बाद हिंदी आती है, तो समान अर्थ क्या होगा मदिरा का मग, हाथी का हस्ती, इसके विरोध में पद चुनिए सदुपयोग का दुरुपयोग, अपान का ग्रहण, दीवार शब्द में कितनी मात्राएं हैं 5, हवा से बातें करने वाला, हवा से बातें करने वाला मुहावरे को होता है तेज दौड़ना, व्याकरण शुद्ध वाक्य लिखिए, तो यहाँ आप यहाँ आइए इसको 2 1/2 को हिंदी में ढाई बोलते हैं, मेहनती का ठीक विरुद्ध पद आलसी, मेहनती को उल्टा आलसी, इनमें से सही अक्ष विन्यास का शब्द अध्यापक, ये सही वर्ड चूज करना था। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।